आज हम आपको बॉलीवुड की एक ऐसी एक्ट्रेस के बारे में बताने वाले हैं जिसने संजू बाबा के शादीशुदा होने के बावजूद भी उनके साथ नजायज संबंध बनाए। संजय दत्त ने कई सालों तक उसे अपना रखेल बनाकर रखा। उससे पहले अगर आप भी संजय दत्त के चाहने वालों में से है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। जैसा कि हम जानते हैं कि संजय दत्त की पॉपुलैरिटी पूरी दुनिया में है, इनकी पॉपुलैरिटी शुरू से लेकर आज तक वैसी ही बरकरार है। यह सब इनकी मेहनत की वजह से है। स्टार्टिंग से ही संजय दत्त की जिंदगी उतार चढ़ाव से भरी रही है। बहुत मुश्किलों से संजय दत्त ने अपने आप को संभाले रखा, लेकिन उनकी छवि बॉलीवुड में प्लेबॉय की तरह रही है। उनके बॉलीवुड की कई अभिनेत्रियों के साथ अफेयर रहे हैं, लेकिन एक अभिनेत्री ऐसी रही जिनके साथ संजय दत्त के संबंध काफी करीबी थे और इनके बारे में ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं चल सका। यही नहीं, संजू बाबा ने इस अभिनेत्री को कई सालों तक अपना एंटरटेनमेंट बनाकर रखा और दोनों एक दूसरे से शादी करने के लिए उतावले थे। जी हाँ दोस्तों, हम जिस अभिनेत्री की बात कर रहे हैं उनका नाम है माधुरी दीक्षित। नाम जानकर आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन यह बिल्कुल सच है। 90 के दशक में संजय दत्त और माधुरी दीक्षित की जोड़ी सुपरहिट जोड़ियों में से एक मानी जाती थी। उस समय संजय दत्त का नाम माधुरी दीक्षित से जुड़ा था। उस वक्त संजय दत्त और माधुरी दीक्षित की जोड़ी बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही थी। पर्दे पर रोमांटिक सीन करते करते असल जिंदगी में भी संजय दत्त और माधुरी दीक्षित को एक दूसरे से प्यार हो गया। खबरों के मुताबिक उस समय संजय दत्त और माधुरी दीक्षित फिल्म थानेदार की शूटिंग कर रहे थे और शूटिंग के दौरान संजय दत्त और माधुरी दीक्षित की करीबियां बढ़ गई थी। बता दें कि माधुरी दीक्षित संजय दत्त से इतना प्यार करती थी, अगर संजय दत्त को शूटिंग के लिए बाहर जाना होता था तो माधुरी दीक्षित उनसे घंटों तक फोनों पर बात करती रहती थी। पर्दे पर यह जोड़ी जैसे हिट होती गई, वैसे वैसे ही इन्हें और काम मिलता गया। फिर ये एक दूसरे के नज़दीक आ गए। इन दोनों ने साजन, खलनायक, थानेदार जैसी कई फिल्मों में साथ काम किया है। बताया जाता है कि संजय दत्त और माधुरी दीक्षित भी शादी रचाने वाले थे, लेकिन संजय दत्त की पहले से ही शादी हो चुकी थी और उनकी बेटी भी थी। संजय दत्त की बीवी रिया को माधुरी दीक्षित और संजय दत्त के इरादे के बारे में पता चल गया था, तो रिया संजय दत्त को छोड़कर अमेरिका चली गई। संजय दत्त और माधुरी दीक्षित के मोहब्बत का दौर चल रहा था कि संजय दत्त को आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया था। संजय दत्त पूरे 16 महीने तक जेल में रहे। इसी बीच उनकी फिल्म खलनायक रिलीज हुई जो सुपरहिट साबित हुई। संजय दत्त जब मुश्किल दौर से गुजर रहे थे तब माधुरी दीक्षित ने उनका साथ छोड़ दिया था। 16 महीने तक संजय दत्त जेल में रहे, लेकिन माधुरी दीक्षित एक भी दिन उनसे मिलने नहीं गई। इसी वजह से उनके रिश्ते में दरार पैदा हुई। परिवार के दबाव से ही माधुरी दीक्षित ने संजय दत्त से दूरियां बनाना ही सही समझा। जब संजय दत्त जेल से रिहा हुए तब भी माधुरी ने उनसे बात नहीं की। फिर संजय दत्त ने खुद माधुरी दीक्षित के बारे में सोचना बंद कर दिया। इतना ही नहीं, संजू बाबा ने तो माधुरी दीक्षित के साथ फिल्में करना ही छोड़ दिया। जिस फिल्म में माधुरी होती उस फिल्म को संजय दत्त नहीं करते। इस तरह इस सुपरहिट प्रेम कहानी का अंत हो गया। अब संजय दत्त ने अपनी सजा पूरी कर ली है और वह फिर से बॉलीवुड में कदम जमाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इस समय संजय दत्त अपनी पत्नी मान्यता दत्त के साथ खुश है। इसके अलावा माधुरी दीक्षित भी अपने पति नैने और अपने दो बच्चों के साथ खुश है।